तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा डिटेल। मैं उसी जल की बात करूंगा जो हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे कहा जाता है जल ही जीवन है। पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक जीवों के लिए जल की जरूरत होती है, बिना जल के जीवन असंभव है। जल की क्वांटिटी कितना और कहां कहां कितना पाया जाता है, इन सभी जानकारी को मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए एक नज़र में हम लोग H2O पर विचार कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखिएगा, जल एक रासायनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र होता है H2O। जल हमारे जीवन का आधार है, जल प्रत्येक जीवों का आधार है, जल प्रत्येक वनस्पतियों, प्रत्येक जंतुओं का आधार है। जल के बिना जीवन असंभव है, इसलिए जल को बोला जाता है जल ही जीवन है। जल हमारे पृथ्वी पर टोटल 71% पाया जाता है। एक्यूरेटली परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 70.9% पृथ्वी के सरफेस पे, सरफेस का मतलब हो गया सतह, सतह पर पाया जाता है। पृथ्वी पर 96.5% महासागरों तथा समुद्रों में पाया जाता है। जल पृथ्वी की सतह का 1.7% ग्लेशियरों और आर्कटिक और ग्रीनलैंड में और बड़े जल निकायों में एक छोटा सा अंश बर्फ चोटियों में पाया जाता है और 0.001% जल हवा में, जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर वाटर, जल वाष्प कहते हैं। उसके बाद 1.7% ग्लेशियरों और आर्कटिक और ग्रीनलैंड में और बड़े जल निकायों में एक छोटा सा अंश बर्फ चोटियों में पाया जाता है और 0.001% जल हवा में वाष्प के रूप में पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर वाटर, जल वाष्प बोलते हैं। जल धरती के नीचे, सतह के नीचे भी है और जल सतह से ऊपर भी है, जल आपके सामने भी है, जल आपके पीछे भी है। ऊपर जो सतह से ऊपर जल है उसे आप बड़े आसानी से समझ जाते हैं, जल जो नीचे है उसे भी बड़े आसानी से आप समझ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताया कि जल आपके सामने भी है, जल आपके पीछे भी है। इसका मतलब हो गया वेपर वाटर, जल वाष्प। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि जब सन ऑफ लाइट, सूर्य की जब किरणें किसी जल पे पड़ती है तो जल की छोटी छोटी बूंदें जल वाष्प के रूप में ऊपर जाने लगती हैं और एक लेयर बना देती हैं, और उस लेयर की जब क्वांटिटी, जब डेंसिटी अधिक हो जाती है तो वह पुनः पृथ्वी पर गिरने लगती है, वापस आने लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्षा। आगे हम लोग देखेंगे पूरी इंफॉर्मेशन जल के बारे में। तो देखिएगा, नाउ लेट अस गिव द मेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाइड्रोजन। अब मैं आपको मुख्य बिंदु बताता हूँ जल से रिलेटेड, जो इंट्रेंस
की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जल आप ग्रहण करते हैं, जो अपने जीवन में जिस जल का उपयोग करते हैं, अगर उस जल के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी होगी तो जहां भी आप होंगे वहां पे जल का बचाव जरूर करेंगे, जल का उपयोग एक उत्तम स्रोत में जरूर करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक नज़र फिर जल के बारे में बताता हूँ। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसका भारानुसार अनुपात 1:8 होता है। H2O में एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो दो मॉलिक्यूल से तो टोटल परमाणु भार 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 1:2+16=2 आप क्या कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो भारानुसार इसका जो रेशियो होगा 1:8 हो जाएगा। आयतनानुसार अगर हम जल के रेशियो की अगर हम बात करें तो 2:1 होता है। जल का सामान्य सूत्र H2O होता है, इसकी क्वांटिटी 2 है, इसकी क्वांटिटी 1 है, तो 2:1 किसके अनुसार होगा, आयतनानुसार वॉल्यूम के अनुसार इसका जो रेशियो होगा 2:1 होगा। जल का क्वथनांक जो होता है 100 सेंटीग्रेड होता है, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसे केल्विन में बताना चाहे तो 100+273=373 केल्विन। जल का गलनांक 0 सेंटीग्रेड होता है, इसे भी केल्विन में आप बताना चाहें तो 0+273=273 केल्विन होगा। जल ऊष्मा का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो इसका जवाब आप देंगे जल ऊष्मा का सुचालक होता है, परंतु शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल अथवा उदासीन जल का pH मान होता है 7 होता है। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पेयजल जो पीने वाला जल है उसका जो pH मान को डिटरमाइंड किया गया है 7 से 8.5 के मध्य बताया गया है। पेयजल हम उसे कहते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक व स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। जल एक उत्तम विलायक है, जल में अम्ल और क्षार दोनों पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक अर्थात यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। जल के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जल के प्रत्येक अणु की बात होगी तो आप बताएंगे कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। चलिए हम आपको वाटर से रिलेटेड प्रश्नों का रिवीजन करा देता हूँ। वायु में हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, तो वायु में हाइड्रोजन को जलाने पर H2O बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन किसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, तो क्या बना देगा, H2O मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत कितना है, 3.0% डायरेक्ट बोले तो 3%। WHO के अनुसार जो पीने वाला जल है उसमें क्लोरीन की मात्रा जो होती है प्रति लीटर में 0.2 मिलीग्राम होती है। सार्वत्रिक विलायक किस पदार्थ को कहते हैं, पानी को कहते हैं, क्योंकि इसमें अम्ल क्षार दोनों घुल जाते हैं। जल का शुद्धतम रूप किसके जल को कहते हैं, तो वर्षा का जल, जो वर्षा का जल होता है शुद्धतम होता है, शुद्ध होता है। पृथ्वी का कितना भाग जल में घिरा हुआ है,
3/4। पृथ्वी में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 96.5%। भारानुसार जल का अनुपात क्या होता है? 1:8। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जल के अणु एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड। केल्विन में बताना चाहे तो 373 केल्विन। जल का पीएच मान WHO के अनुसार 7 से 8.5 होता है। शुद्ध जल का स्वाद कैसा होता है? उदासीन। ठोस जल किसे कहा जाता है? बर्फ को। जल में अम्ल मिलाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। भारी जल की खोज किसने किया? हेरोल्ड सी यूरे। तो देखिएगा, जल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भारी जल, जिसका सामान्य सूत्र होता है D2O, और एक होता है सामान्य वाटर, जिसका सामान्य सूत्र होता है H2O। D2O का अणु भार बराबर होता है 2×2+16=20। सामान्य जल का टोटल अणु भार 18 होता है। जल ऊष्मा का सुचालक है या कुचालक? सुचालक। लेकिन शुद्ध जल की जब बात होगी तो क्या होगा? कुचालक। जल का घनत्व कितना होता है? 4 सेंटीग्रेड होता है। तो आज रहा हमारा वाटर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि जल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं।